या तो कोई वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया। पकड़ी मोबाइल, ये देखिए ऐसा लग रहा है काफी तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। तो दोस्तों एक बार फिर हम कराते हैं आपको नाइट जंगल ड्राइव और हम इस समय हम आ चुके हैं गिरजिया से निकल के इस कोर टाइगर टेरिटरी में और इसे एंड करेंगे आम डंडा गेट पे। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये है खतरनाक कोर टाइगर टेरिटरी और इधर आपको जगह जगह टाइगर के बोर्ड भी लगे दिखाई दे जाएंगे क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये है खतरनाक जंगल। दोनों साइड आप देख सकते हैं कैसा खतरनाक जंगल है और ये देखिए जगह जगह लगे हुए हैं टाइगर टेरिटरी के बोर्ड। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है इस जगह अक्सर आपको टाइगर क्रॉस करते हुए दिखाई दे जाएगा और ऐसे में क्या होता है कई बार वाइल्ड लाइफ से हो जाता है आमना सामना। तो दोस्तों आज सुबह की साइड इधर पड़ी जबरदस्त बारिश तो उससे हो गया मौसम काफी ज्यादा ठंडा और देखते हैं कि रास्ते में क्या वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट दिखाई देगी। तो चलते हैं निकल के ऐसे इस घने जंगल से और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दिखाई देगा। ये देखिए हम चल रहे हैं स्लो स्पीड में 30 और 33, तो ऐसे ही अपनी स्पीड रखेंगे और देखेंगे कि जंगल में जो भी देखने को मिल जाए। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि आगे की साइड कुछ लोग रुके हुए हैं या तो कोई वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया। पकड़ी मोबाइल, ये देखिए ऐसा लग रहा है काफी तगड़ा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि लग गया तगड़ा जाम। देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। ये देखिए काफी ज्यादा, इसलिए कहते हैं जंगल में अपनी स्पीड रखें स्लो क्योंकि कई बार क्या होता है तेज स्पीड में अचानक वाइल्ड लाइफ निकल के आ सकती है और आप उसे भी चोटिल करेंगे और खुद भी गाड़ी का नुकसान होगा। तो चलते हैं और ये देखिए जगह जगह लगा हुआ है टाइगर का बोर्ड और हम जल्दी पहुंचेंगे रिंगोरा विलेज और इस रिंगोरा विलेज में अक्सर आपको टाइगर की मूवमेंट रहती ही रहती है। और एक बार उधर की साइड रिवर साइड पे टाइगर की डेड बॉडी भी मिली थी। तो दोस्तों ये जो पूरा जंगल है इस जंगल में टाइगर एलिफेंट और कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल भी मिल जाते हैं तो यहाँ काफ़ी संभाल के चलना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जंगल ड्राइव नाइट जंगल ड्राइव दिखाएं। तो हमने कहा आपको कराते हैं आज नाइट जंगल ड्राइव और ये है पूरी कोर टाइगर टेरिटरी। तो देखते हैं कि जंगल में और क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए स्लो स्लो चलते चलते आपको ये जंगल भी दिखा रहे हैं और हवा चल रही है आज बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए सामने की साइड जो बोर्ड है उस पे बना हुआ है टाइगर। ये देखिए तो ये जो पूरा एरिया है ये है टाइगर का। तो चलते हैं स्लो स्पीड में निकल के क्योंकि यहाँ कई बार एलिफेंट भी रास्ता रोक देता है। ये देखिए एक और बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे है टाइगर का चित्र, लाइट पड़ने के कारण कुछ शाइनिंग मार रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या दिखाई देगा।
दोस्तों ये देखिए, ये जगह जगह ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे आप। और ये आ गया रिंगोरा विलेज का बोर्ड, ये देखिए, ये पूरी रिंगोरा विलेज है। और इसी विलेज में अक्सर वाइल्ड लाइफ की काफी ज्यादा मूवमेंट रहती है। और इधर आप कुल्हड़ चाय और काफी सारा स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। काफी सारे छोटे छोटे कैफेटेरिया बने हुए हैं। और इधर बोर्ड लगा है रिंगोरा वन पंचायत। तो दोस्तों ये एरिया काफी डेंजरस है। हम तो गए थे आगे की साइड वीडियो बनाने और हो गई रात, तो हमने कहा आपको नाइट ड्राइव भी कराई जाए। और ये देखिए कुछ गाड़ियां बड़ी तेज स्पीड में आती हुई, जो कि अक्सर ओवरटेक के चक्कर में दूसरे को भी नुकसान पहुंचाती है। और अपनी स्पीड देखिए, जगह जगह बोर्ड लगे हुए स्पीड 40 किलोमीटर, तो अपनी स्पीड 40 से ज्यादा ना रखें। तो दोस्तों मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, और ऐसे मौसम में तबीयत खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है टाइगर टेरिटरी का बोर्ड, और ये दोनों तरफ घना जंगल है। इस जंगल में कहीं से भी अचानक वाइल्ड लाइफ क्रॉस करके जा सकती है दूसरी ओर। तो आप ये ना सोचें कि ये जंगल मामूली है, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है ना जंगल। और ऐसे जंगल में बाइक से ड्राइव करना पड़ सकता है, काफी हो सकता है काफी खतरनाक। तो आप इसे हल्के में ना लें और ना करें जंगल में रात के समय बाइक से ड्राइव। हैं? लो पकड़ी, चलते हैं कुछ और आगे और देखते हैं, क्या पता कुछ वाइल्ड लाइफ भी क्रॉस करते हुए दिख जाए। ये देखिए, ना कुछ रहा। और दोस्तों रात में जंगल में होता है भ्रम कि कुछ रोड किनारे बैठा है या दिखाई दे रहा है, क्योंकि होता क्या है कि वाइल्ड लाइफ आती है बाहर की ओर। तो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं रामडंडा गेट पे, जो कि रामनगर के बाद पड़ता है सबसे पहला गेट। और इधर की साइड कुछ जंगल में विलेज भी है जिनमें काफी ज्यादा टाइगर अटैक भी होते हैं, और फिर भी लोग जंगलों में रहते हैं क्योंकि है उनकी मजबूरी। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये वन क्षेत्र है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो दोस्तों ये पूरा जंगल का इलाका है और यहाँ कहीं भी अचानक वाइल्ड लाइफ निकल के आ सकती है।
ऐसी लग रही चले गए वो ये लग रहा है ये जो घास सी दिख रही है ना सींग मैंने कहा ना दोस्तों जंगल में ऐसा जगह जगह प्रतीत होता है कि इधर वाइल्ड लाइफ बैठी है या छुप के खड़ी है पर कहीं से भी अचानक कुछ भी दिख सकता है। और आगे एक और बोर्ड लगाया आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं वनों को मिटने से बचाएं। तो दोस्तों जंगलों में पेड़ ना काटें और जंगलों में और पेड़ लगाएं। तो हम पहुंचने वाले हैं 8 घंटा गेट पे। तो दोस्तों अगर हमारी नाइट ड्राइव अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इधर की साइड आ गया 8 घंटा गेट ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं 8 घंटा गेट पे ये देखिए ये है 8 घंटा गेट ये देखिए सामने की साइड 8 घंटा गेट है। तो दोस्तों इस ब्लॉग पे एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए और नाइट ड्राइव देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय।